गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको डायल वोल्टेज के बारे में बताऊंगा। किसी भी पाइप या सिलेंडर का आंतरिक व्यास मापने के लिए इस गेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक डायल लगी रहती है, इसलिए इसको डायल वोल्टेज कहते हैं। ऑटोमोबाइल में इस गेज का प्रयोग सिलेंडर की ओवल्टी यानी आउट ऑफ राउंड तथा टेपरनेस चेक करने के लिए किया जाता है। यह गेज वर्नियर कैलिपर तथा माइक्रोमीटर की तरह डायरेक्ट माप नहीं लेता है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। यह डायामीटर में वेरिएशन यानी भिन्नता को डायल में प्रदर्शित करता है। देखते हैं इस गेज की बनावट। यहाँ पर आपको एक डायल बोर गेज का बॉक्स दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं ये डिफरेंट साइज की इंटरचेंजेबल एनविल या एक्सटेंशन रॉड। हमें जिस साइज का सिलेंडर का आईडी चेक करना होता है, उसी साइज की हम इंटरचेंजेबल एनविल जो है डायल बोर गेज में सेट करते हैं या फिट करते हैं। ये आप देख रहे हैं 50 mm की एक्सटेंशन रॉड, और ये आप देख रहे हैं डिफरेंट साइज की वाशर जो कि 0.5 mm से लेकर 3 mm तक की है, और ये आप देख रहे हैं एक सी स्पैनर जिसकी सहायता से हम इसको टाइट करते हैं। और आप देखते हैं इस गेज के पार्ट्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं डस्ट कैप, ताकि इसके अंदर धूल मिट्टी इत्यादि अंदर प्रवेश न कर सके, और जो हमारा पॉइंटर है ये इसकी इजिली मूवमेंट हो सके। ये आप देख रहे हैं एक डायल, और इसको हम पॉइंटर या नीडल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं लॉक, या इसको क्लैंप कहते हैं। और ये आपको दिखाया गया वेजल, जिसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर इस पॉइंटर को जीरो पर सेट किया जाता है तथा क्लैंप को हम टाइट कर देते हैं ताकि वेजल की मूवमेंट ना हो सके। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सर्कुलर स्केल जिसमें ग्रेजुएशंस बनी हुई हैं। इसमें प्रत्येक डिवीजन का मान 0.01 mm या 10 माइक्रोन होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसकी यहाँ पर लिस्ट काउंट भी लिखी हुई है 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10 का मतलब 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पर 1 mm। यानी जब ये हमारा पॉइंटर है एक राउंड क्लॉकवाइज घूमता है, तो उस कंडीशन में ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये प्रेशर नीडल है, ये 1 mm एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। नीचे ये प्रेशर गेज, जिसको हमने 2 mm के प्रेशर से या 2 mm के प्रेशर पर सेट कर रखा है। ये आप देख रहे हैं एक नल्ड नट, जिसकी सहायता से डायल को टाइट किया जाता है। और ये आप देख रहे हैं एक रबड़ की ग्रिप, जिसमें इसकी रेंज लिखी हुई है 50 से 100 mm। यानी इस डायल गेज के द्वारा हम 50 mm से लेकर 100 mm तक का सिलेंडर का इंटरनल डाया चेक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं गेज का हेड, और इसको हम नल्ड नट कहते हैं। इसको खोलकर हमें जिस साइज का आईडी चेक करना होता है, उसी साइज की एक्सटर्नल या इंटरचेंजेबल एनविल लगाकर हम इस नल्ड नट को टाइट कर देते हैं। और ये आप देख रहे हैं इसको मेजरिंग प्लंजर या मूवेबल एनविल कहते हैं, जिसको दबाने से ये आप देख रहे हैं हमारा जो ये पॉइंटर है ये क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे ही हम ये मेजरिंग प्लंजर को या फिर मूवेबल एनविल को छोड़ते हैं, तो हमारी नीडल वापस अपनी जगह पर आ जाती है। इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये इनको हम गाइड रोलर कहते हैं, जो सिलेंडर के अंदर आईडी चेक करने में एक गाइड का काम करते हैं, ताकि मेजरमेंट आसानी से हो सके। अब मैं आपको एक पाइप का आईडी चेक करके बताऊंगा। यहाँ पर एक पाइप दिया गया है, इसकी आईडी हमें मालूम नहीं है। इसकी आईडी चेक करने के लिए या तो हम इनसाइड माइक्रोमीटर से इसकी आईडी चेक कर सकते हैं, या फिर वर्नियर कैलिपर के द्वारा इसकी आईडी चेक कर सकते हैं। मैं आपको वर्नियर कैलिपर के द्वारा इसकी आईडी चेक करके बताऊंगा। इसकी जो आईडी है वो 61 mm है, 61 mm। अब हमें इस पाइप की आईडी पता कर चल चुकी है। अब हम इस डायल बोर गेज में 61 mm की एक्सटेंशन रॉड फिट करेंगे। ये 60 mm की एक्सटेंशन रॉड है, और 1 mm की हम इसमें वाशर लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है
हम डायल बोर गेज में 61 mm की एक्सटेंशन रॉड फिट करते हैं। अब हम इस 61 mm को आउटसाइड माइक्रोमीटर में सेट करेंगे। यहां पर आपको एक आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं इसकी रेंज 50 से 75 mm है। सबसे पहले इस आउटसाइड माइक्रोमीटर को हम यानी इसका एरर चेक कर लेते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है यानी अरे कोई दोष नुक्स। इसके लिए यहां पर एक इसका 50 mm का मास्टर पीस है, इसको मास्टर पीस में हम लगा कर देखेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है वो बिल्कुल ओके है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम आउटसाइड माइक्रोमीटर में 61 mm पर इस डायल बोर गेज को सेट करेंगे। ये आप देख रहे हैं 61 mm, ये हमने 61 mm इस पर सेट कर दिया है। अब हम mm को हम आउटसाइड माइक्रोमीटर में सेट करेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं डायल बोर गेज को हमने आउटसाइड माइक्रोमीटर में सेट किया है और अब हम क्लैंप को लूज करेंगे। क्लैंप को लूज करने के पश्चात जो पॉइंटर है इसको हम जीरो पर सेट करेंगे और जीरो पर सेट करने के पश्चात क्लैंप को टाइट कर देंगे। ये आप देखें जीरो, बिल्कुल जीरो पर सेट है और क्लैंप को टाइट कर देंगे। अब हम डायल बोर गेज के द्वारा इस पाइप में वेरिएशन चेक करेंगे। ये आप देख रहे हैं इसमें 0.74 mm का वेरिएशन है। इस प्रकार से हमें जो है पाइप के अंदर वेरिएशन का पता चल चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आप पाइप की जो आईडी है उसमें वेरिएशन कैसे चेक करते हैं तथा डायल बोर गेज के बारे में पता चल गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिलेंडर की ओवल्टी तथा टेपरनेस चेक करना बताऊंगा।